शादी में डिवोर्स हो जाती है, मोहब्बत में डिवोर्स नहीं होती। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। कभी कभी ऐसे दीवान साहब, क्या यू सच एन अमेजिंग पार्टनर एंड यू आर सच अ व्हाट? हम शादी क्यों नहीं कर रहे? मैं भी तुम्हें हबी कहकर बुलाना चाहती हूँ। हंस क्यों रहे हो? मोहब्बत से दिल भर गया। कैसी बातें करते हो? अभी तो पता चला है कि मोहब्बत होती क्या है। बोलो ना, हम शादी कब करेंगे? एक बात पूछूं? हाँ। हम शादी करके साथ क्यों रहना चाहते हैं? मोहब्बत करके साथ क्यों नहीं रह लेते? यू आर जोकिंग? No, I'm not joking. It's $1 million question. इतने महीनों से साथ हैं हम, पूरा यूरोप घूम लिया, कभी लगा ही नहीं कि मोहब्बत निभाने के लिए शादी करना जरूरी है। तुम्हें मेरी मोहब्बत में कोई कमी नजर आई? बोलो ना, कभी भी मेरा जी उठता है तुमसे? वो तो ठीक है, लेकिन जब ठीक है तो लेकिन क्या? तुम क्यों लोअर मिडिल क्लास लड़कियों की तरह सोचती हो, जब मोहब्बत करने के लिए शादी की दुआएं मांगती है? शहबाज, कहा ना, मोहब्बत में अभी रहने दो। जब लगा कि शादी करना इंपॉर्टेंट है तो कर लेंगे। एंड स्वीटहार्ट, शादी में डिवोर्स हो जाती है, मोहब्बत में डिवोर्स नहीं होती। ये
सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। इसकी परवाह नहीं है। आपका गुस्सा उतर गया? गुस्सा? गुस्सा कब किया मैं? हाँ वो उस दिन आप नौकरी छोड़ने की बात कर रहे थे तो मैं डर गया था। मैं बिल्कुल नहीं डरा। फ्लैट की बात भी हो गई, पहले वाला डीलर चकमा दे रहा था मुझे, दूसरे ने 80 लाख दिला दिए। फ्लैट बेच दिया? नहीं अभी नहीं, 10 दिन बाद। कल एडवांस मिल जाएगा, फिर 10 दिन बाद मैं रिजाइन कर दूंगा। आप एक बार और सोच लीजिए दानिश साहब। पहले बहुत सोचा करता था मतीन साहब, अब लगता है ज्यादा सोचो तो गुस्सा करता है। वो चाहता है बंदा बस काम करता रहे। चाय ला छोटू, और साथ 2 आलू के पराठे भी ले। फ्लैट बेच देंगे तो आप रहेंगे कहां? कराए के फ्लैट में। और काम क्या करेंगे? अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो सोचूंगा। एक मशवरा दूंगा आपको, इसीलिए तो आता हूं मैं आपके पास। जब तक काम ना चल पड़े उस वक्त तक इस्तीफा मत दीजिएगा। आप बूढ़े हो गए मतीन साहब, डरपोक। काम ये सोचकर किया कि काम नहीं चलेगा, फिर तो कभी नहीं चलेगा। और फिर नौकरी के साथ बेईमानी करूंगा तो हराम खाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता। बस ये सोचकर समंदर में कूद जाऊंगा कि तैरना आता है, लाइफ जैकेट नहीं पहन। पराठे भी ला रहा हूं। ले आओ। शादी कर लीजिए। क्यों? आगे बढ़ने के लिए पीछे एक औरत का होना जरूरी होता है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं तो मानता हूं। अगर मैं नहीं मानता, अगर ये बात सच भी है तो साबित करूंगा कि ये झूठ है। यू शुड सी अ साइकियाट्रिस्ट। अक्सर गुस्से में आदमी अपनी लड़ाई हार जाता है। वो चली गई तो उसे दुआ दीजिए, वो दुख दे गई तो दुख ले लीजिए, और सलाम करके कहिए कि अगर आप मेरी नहीं हो तो सुनो जाने मन, हम भी आपके नहीं। आठ साल पहले मैं अपनी बीवी से मिला तो एक्चुअली उससे मिला नहीं था। मुझे ठोकर लगी, मैं गिरा तो पता चला उसके कदमों में गिरा। उसका हस्बैंड उसके साथ था, फिर भी मुझे चोट लगी तो वो तड़प उठी। सहारा देकर मुझे फुटपाथ से उठाया, मेरे पांव का जख्म साफ किया। इतनी देर में उसका हस्बैंड मेरे जख्मों पर लगाने के लिए दवा लेने चला गया था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हुई? मुस्कुराई और बोली, बेवफाओं पे तरस खाते हैं मतीन अहमद, उनसे नफरत करते। सिगरेट?
उसके मरने से एक दिन पहले उसके हस्बैंड का फोन आया, कहने लगा समीर ने बात करना था। मैंने बात की, उसकी सांसें अटक रही थी, मुझसे पूछा कि बेवफाई की सजा मिलती है मतीन अहमद, मैंने कहा मिलती, कहने लगी कितनी सजा मिली, मैंने कहा इतनी तो वफा करने वालों जजा नहीं मिलती होगी। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।